हेलो बच्चों, जय हिंद एंड मॉर्निंग। आज हम बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं कि सुपर ट्रिक फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत से बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है बच्चे लोग, क्योंकि इसके विदाउट हम बहुत चीज़ों को मिस कर देते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, और उसको समझने में, ठीक है। तो आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का निकाला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ध्यान दें बच्चे लोग। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, जितने इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग भाग लेते हैं बच्चे लोग, वही उसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बच्चे लोग, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे ये एनी वैल्यू होती, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे 1/2 एक्सेट्रा। तो अभी आपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है। किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं बच्चे लोग, वही एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के अंतर हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो भी बच्चों को जानना होता है। और वैलेंसी जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर होते हैं उसके बराबर होती है, और वो नेचुरल नंबर होती है बच्चे लोग, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, कभी फ्रैक्शन नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती है, वो नेचुरल नंबर होती है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड में कोई वैल्यू हो सकती है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का निकाला जाता है, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हर समय अपनी निश्चित कॉन्स्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल होते हैं, ज़रा देखिए। रूल नंबर एक है, सिंगल एटम अगर किसी पर है बच्चे लोग, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हर समय शून्य होती है, ठीक है। जैसे सोडियम है, अकेला है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी शून्य होगी। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, तो इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर होती है शून्य। तो कोई भी एलिमेंट अगर रहता है, किसी से कंबाइन नहीं किया है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। अब पहला रूल है। अब दूसरा रूल पर आते हैं। रूल नंबर टू ये कहता है बच्चे लोग, व्हेन एनी एलिमेंट डू नॉट कंबाइन अदर एलिमेंट, ध्यान दें हमने लिखा है अदर एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं किया रहता, ठीक है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसी अन्य एलिमेंट से रिएक्शन नहीं किया, ओ से ही किया है, ओ से किया है। अब N2 है, तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होती। कारण क्या होता है बच्चे लोग, देखो जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये डबली बॉन्डेड होते हैं, मतलब दो बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोग, होता क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती है, और तब न तो इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो पाता है और न इधर पुश हो पाता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज डेवलप्ड नहीं हो पाता। और जब चार्ज ही डेवलप्ड नहीं होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाएगी, बोलो, शून्य मानी जाएगी, इसकी भी शून्य मानी जाती है, ठीक है। तो बच्चे लोग देखें कि कोई भी सेम एलिमेंट अगर कंबाइन आपस में करता है, तब भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होती है। जैसे नाइट्रोजन है 0, Cl2 में क्लोरीन की 0, S8 सल्फर जो है S8 की फॉर्म में पाया जाता है, उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बच्चे लोग, 0। और फास्फोरस P4, ठीक है, ये P4 के रूप में नेचर पाया जाता है, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अगर फास्फोरस को देखो बच्चे लोग, तो फास्फोरस कुछ इस प्रकार से अपने स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, फास्फोरस है, और ये इस प्रकार से दिखाता है। तो यहाँ पर भी फास्फोरस के मध्य जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, अंतर इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 0 है इसमें। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग, वो किधर भी शिफ्ट नहीं होते, और यही कारण है कि इसकी जो
ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। तो रूल दो पढ़े, तो पहली बात नेटिव फॉर्म में जब पाया जाता है एटम के रूप में तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जीरो होती है। दूसरी बात अगर किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं किया, अपने खुद ही एलिमेंट, तब भी जीरो होती है। रूल नंबर तीन पर आते हैं, इस रूल को रट लीजिएगा, विदाउट इसे काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ चार्ज ऑन मोनो एटॉमिक आयन इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। कहने का मतलब कि जो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं बच्चे लोग, उस पर जो चार्ज चढ़ा होता है चार्ज, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे सोडियम प्लस है, लिथियम प्लस है, ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होती है। कैल्शियम प्लस है, मैग्नीशियम प्लस प्लस है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। क्लोरीन माइनस है तो इसका ऑक्सीजन माइनस, माइनस है तो माइनस टू। नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस है तो माइनस, तो क्लोरीन माइनस है तो यहाँ पर माइनस वन। तो आपने देखा कोई भी मोनो एटॉमिक, अगर मोनो एटॉमिक है बच्चे लोग, और इस मोनो एटॉमिक का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके चार्ज के बराबर होता है। अगर वो मोनो एटॉमिक आयन है तो बच्चे लोग, तो मोनो एटॉमिक आयनों पर जो चार्ज चढ़ा होता है वही उसका क्या होता है, बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ तक तो बच्चे तीन रूल पढ़ लिए, पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल। अब हम आते हैं चौथे रूल पर बच्चे लोग, इसके बाद एक्सरसाइज पर। चौथा रूल ये कहता है कि देखिए, चौथा रूल क्या कहता है, सम एलिमेंट है फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एलिमेंट होते हैं जो हर कंपाउंड में अपने ऑक्सीडेशन नंबर को निश्चित रखते हैं बच्चे लोग, ये कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो फिक्स, जैसे एल्कलाइन मेटल्स का होता है बच्चे लोग, जिसे क्षारीय धातु भी कहते हैं। अब ये सभी जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है, तो ये एम प्लस टाइप के आयन बनाते हैं। चूँकि सब मोनो वैलेंट कैटायन होते हैं, इसलिए इस पर जो चार्ज चढ़ा रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो सभी एलिमेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगा। उसी तरह से बच्चे लोग देख रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं ये भी एम प्लस प्लस आयन बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस है, कैल्शियम प्लस प्लस है, स्ट्रॉन्शियम प्लस प्लस है, बेरियम प्लस, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू के बराबर होगी। उसी तरह से हैलोजन्स होते हैं बच्चे लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस वन टाइप के आयन बनाते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हर समय माइनस वन होगी। लेकिन ध्यान रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा नहीं, हर समय माइनस वन दिखाता है। क्लोरीन की बदल सकती है, कहने किस परिस्थिति में बदल सकती है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फ्लोरीन की, हर समय माइनस वन ही होती है, ध्यान रहे बच्चे लोग। और उसी प्रकार से अब हम रूल नंबर टू देखेंगे, ध्यान रहे बच्चे लोग। जब अभी हम एक और रूल आपको बताएंगे, ये रूल ये कहता है, यहीं पर आप देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पलट जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है, और फ्लोरीन है, सॉरी ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये हमने इनके ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। सोचो बच्चे लोग, अगर मान लेते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इस प्रकार से और इसके बाद फ्लोरीन है। अब बच्चे लोग देख रहे हैं कि इसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो सेट पेयर इलेक्ट्रॉन हर समय अपने तरफ खींचेगा, इस पर माइनस चार्ज डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जरा देखो, इसके कारण इस पर प्लस वन आया, इसके कारण प्लस वन आया, तो इस ऑक्सीजन की इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे लोग प्लस टू के बराबर है, न कि माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरीन हर समय, अगर उल्टा होता कि अगर ऑक्सीजन, ये ध्यान रहे, जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है तो उसकी पलट जाती है। अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे हमने लिखा कि FCl, अब इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, माइनस हो जाएगा, और ये तब यहाँ पर प्लस। यहाँ पर क्लोरीन बच्चे लोग हर समय
प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है प्लस वन, चूँकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, तो अगर कोई भी एलिमेंट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्रिया करे रहेगा, वो भी नॉन मेटल, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पलट जाती है। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, सभी बच्चे इतना तो जानते होंगे, लेकिन फ्लोरीन के केस में इसका पलट जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन से। इसी प्रकार से क्लोरीन का माइनस वन होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन की है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है पलट जाती है, मतलब जहाँ माइनस वन था वहाँ पर प्लस वन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे लोग देखे रूल नंबर सिक्स को देखिए, रूल नंबर सिक्स कहता है अगर पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं बच्चे लोग, जो एक से अधिक एटम से मिलकर के बने होते हैं, तब इनका जो चार्ज होता है इक्वल, जो चार्ज होता है वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। जैसे अमोनियम आयन पर देखिए प्लस, मतलब पूरे मालिक्यूल्स पूरे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा। कार्बोनेट का देखिए, इस पर माइनस टू चार्ज चढ़ा है तो पूरे कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होगा। तो पॉली एटॉमिक के जो आयंस होते हैं उन पर जो चार्ज होता है बच्चे लोग, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है ये सब चार्ज हैं, इन पर जो माइनस या प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है बच्चे लोग, वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। पूरे आयन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो रहा आपका रूल नंबर सिक्स। अब हम आते हैं बच्चे लोग रूल नंबर सेवन पर, रूल नंबर सेवन पर, ठीक है। अब रूल नंबर सेवन क्या कहता है देखो, रूल नंबर सेवन ये कहता है कि टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द चार्ज, टू द चार्ज, ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का सम अगर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस पर चार्ज के बराबर होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट को देखो, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लिखते हैं, फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और सब का सम करते हैं बच्चे लोग, तो किसके बराबर होगा, इस पर चार्ज के, इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा है निकालने का तरीका होता है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है उस कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। जैसे अमोनियम का देख लो, अमोनियम एक कैटायन है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इसके चार्ज के बराबर होगा। उस चार्ज कितना है बोलो, माइनस वन। कार्बोनेट का देख लो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का ऑक्सीजन का, अब इसके चार्ज के बराबर होगा, इस पर चार्ज माइनस टू है तो इसके बराबर हो गया माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ इस पर कोई चार्ज नहीं इसलिए माइनस वन, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है एलिमेंट्स का, वो हर समय उस कंपाउंड पर जो चार्ज चढ़ा होता है बच्चे लोग, उसके इक्वल होता है। अब रूल नंबर आपको एट को दिखाते हैं। रूल नंबर एट कहता है कि जब भी हाइड्रोजन, बच्चे लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन करता है बच्चे लोग, मेटल से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर्ड को अपने तरफ खींचता है। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि मेटल की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, इसलिए ये माइनस के साथ चला जाता है। तब उस केस में जब मेटल से कंबाइन करता है, तो हर समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है, जैसे सभी मेटल हाइड्राइड। उसी तरह से जो कैल्शियम हाइड्राइड बच्चे लोग पढ़े हुए हैं ये है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये है, सब के सब जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के मेटल हैं, इसलिए हाइड्रोजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है और नेगेटिव होने की कोशिश करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी मेटल हाइड्राइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई मेटल है, जैसे बच्चे लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये कोई नॉन मेटल अगर है, नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये मेटल खींचेगी नॉन मेटल, इसलिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगी। तो इस केस में मेटल
जो नॉन मेटल के हाइड्राइड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है प्लस वन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग। इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं, निकालते हैं उसी तरह से लेकिन वो गलत आता है, ठीक है। रूल नंबर 8 को देखिए, रूल नंबर 8 ये कहता है किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे लोग उसके ग्रुप के बराबर होता है, ये ग्रुप के बराबर होता है। जैसे सल्फर है, सल्फर 6 ग्रुप का है जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 होगी। क्लोरीन 7th ग्रुप का है, इसकी मैक्सिमम प्लस 7 होगी, ठीक है। कार्बन 4th ग्रुप का है, इसलिए इसकी मैक्सिमम कितनी होती है बताओ, इसकी मैक्सिमम जो है ये आपकी हो जाएगी प्लस 4 के। तो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप से अधिक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती। अगर निकालने पर किसी कारणवश होता है तब उसमें कोई न कोई रीजन हो सकता है, जैसे परऑक्साइड बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चे लोग रूल नंबर नेक्स्ट पर। तो रूल नंबर नेक्स्ट ये कहता है, ये अगला रूल नंबर है बच्चे लोग, रूल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं एक्चुअली जो है वो उस एलिमेंट की अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाया है उस पर इंडिकेट करती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं उस एलिमेंट में एक से अधिक वो एलिमेंट उपस्थित हो, ठीक है, तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बदल सकती है, ठीक है। तो वो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास S4O6 है, S4O6 है माइनस माइनस। अब इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चे लोग, तो ये सल्फर है और इसके बाद सल्फर है, फिर सल्फर है, ठीक है। तो 3 सल्फर तो हो गए और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इसी तरह से लगी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगी है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर सल्फर 1, 2, 3 है बच्चे लोग, तो इनमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर हर का अलग अलग होगा। तो किसी भी कंपाउंड में तो अगर हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालते हैं तो इसका हम बच्चे लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज। अभी कैसे निकाला जाता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, उसको हम अभी बताएंगे दूसरे लेक्चर में। चूंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बच्चों को पढ़ाया है उसको आप देख लीजिएगा। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर वर्सेस टू द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको हम अगले महीने, तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल को ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए वो एग्जांपल क्या है, और हमने बताया था सभी बच्चों को जो ऑक्सीजन होता है वो हर समय बच्चे लोग कितना दिखाता है बोलो, कितना दिखाता है -2 ऑक्साइड में। अगर वो मान लेते हैं पर ऑक्साइड होता है तो पर ऑक्साइड में बच्चे लोग ऑक्सीजन हर समय -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन पर ऑक्साइडों में ये -1 और -1 होता है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है बच्चे लोग, तो इसी को हम कह देते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड बॉन्ड। पर ऑक्साइड बॉन्ड में -1 -1 होता है, लेकिन एक सुपर ऑक्साइड होती है बच्चे लोग। सुपर ऑक्साइड वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होती है, ठीक है। अगर हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में निकाल करके -1/2 पाया तो हम कहेंगे वो ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है। अगर हमने निकाला उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रही है तो हम कहेंगे वो पर ऑक्साइड है। अगर हमने निकाला ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रही तो हम कहेंगे वो ऑक्साइड है। अब हम कुछ इसके एलिमेंट देखते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कौन कौन से इसके हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए कार्बोनेट CO3-, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका निकालना होता है बच्चे लोग उसको मान लो। तो इसको हमने मान लिया x,
और सभी ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होती, सभी बच्चे अभी देखे हैं। तो हमने मान लिया एक्स, और इसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू, दो हैं तीन हैं बच्चे लोग, तो माइनस सिक्स हो जाएगा और इक्वल टू द आपके चार्ज के बराबर, चार्ज कितना है बोलो टू है, तो इक्वल टू द टू हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, फोर आ जाएगा, प्लस फोर। ध्यान है बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज रिटन विथ साइन, हर समय साइन के साथ लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस वन। ठीक है, प्लस वन। अब चूंकि हमने आपको बताया था कि सल्फर से जुड़ा हुआ है प्लस वन, ठीक है, और इसके बाद जिसका निकालना है तो दो है तो प्लस टू हो जाएगा बच्चे लोग, चूँकि दो हैं। इसके बाद ये दो है, इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर, अब जिसका निकालना उसको मान लो एक्स, और ऑक्सीजन का माइनस टू होता है तो चार है तो माइनस एट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एट इज इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज के बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये घट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया बोलो, प्लस सिक्स आया। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से अगर हम बच्चों को कहें K2Cr2O7 में क्रोमियम का बताइए, तो जिसका निकालना है मान लो पोटेशियम का एल्कलाइन मेटल है, प्लस वन होता है, दो हैं, तो इसका निकालो लो प्लस टू, और प्लस इसका मान लेते हैं टू एक्स है बच्चे लोग, टू एक्स दो क्रोमियम है, इसका माइनस सेवन होता है तो इसका माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये घट गया बच्चे लोग, तो यहाँ पर टू एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू आपका जीरो आया, या 2x इज इक्वल टू आपका आया कितना, ठीक है, 14 प्लस 14 के बराबर आया, या x इज इक्वल टू आपका आया 14 बाई टू इज इक्वल टू प्लस 7। ठीक है, दिया है आपका प्लस 7। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत एलिमेंट होते हैं बच्चे लोग, उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ को और भी हम आपको नोटिफाइड करेंगे अभी, जैसे अगर हम आपसे कहें कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट Mn का निकालिए, तो इसका लिखोगे प्लस वन, जिसका निकालना उसको मान लो, और ऑक्सीजन का माइनस टू होता है तो ये माइनस एट इज इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आया बोलो, प्लस सेवन आया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे लोग तो देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन कैसे किस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से बच्चे लोग अगर हम आपसे कहें कि बताइए हमें सल्फेट SO4 माइनस माइनस का सल्फर का निकालना है, इसका मान लो तो x, अब ऑक्सीजन का माइनस टू होता है जनरली, तो माइनस एट इज इक्वल टू चार्ज किसके बराबर है बोलो, माइनस टू के, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, प्लस सिक्स आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई चार्ज होता है बच्चे लोग, जैसे K4 FeCN6 किसी कम्प्लेक्स में निकालना होता है तो आयरन का निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। पोटेशियम एल्कलाइन मेटल है, इसका प्लस वन होता है तो चार है तो प्लस फोर, जिसका निकालना है मान लो प्लस एक्स, CN माइनस होता है बच्चे लोग ध्यान रहे, तो CN पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूरे की माइनस वन होती है, सिक्स है तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया बोलो, प्लस टू आया। अर्थात यहाँ पर बच्चे लोग आयरन जो है वो फेरस के फॉर्म में है, क्या है, फेरस, इसीलिए इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइट, सभी बच्चे जान गए। ठीक है, अब हम आपको कुछ और एलिमेंट बता रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन